वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, यदि आप नए व्यूअर्स हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी का निशान भी हिट कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निरंतर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सेना का MiG-21 विमान निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रैश हुआ है। तो दोस्तों, यह जो क्रैश हुआ है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जो MiG-21 विमान था यह क्रैश हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम देखें, गूगल के बाद निम्नलिखित में से किस कंपनी ने AI आधारित हथियार ना बनाने का संकल्प लिया है। तो दोस्तों, जो कंपनी का नाम है वह है SpaceX, जिसने AI आधारित मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित हथियार ना बनाने का संकल्प लिया है, और यह दूसरी कंपनी रहेगी। इससे पहले गूगल ने भी इस तरह का संकल्प ले चुकी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, किस देश ने फिर से प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर अमेरिका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब कि ICJ में एक शिकायत दर्ज कराई है। दोस्तों यहाँ पर हम देखें, ईरान ने यह शिकायत दर्ज कराई है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, क्योंकि अमेरिका द्वारा उस पर बार बार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमेरिका द्वारा टैरिफ लागू करने और ट्रेड वॉर की धमकी देने के बीच यूरोपीय संघ मतलब EU ने किस देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता मतलब FTA पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आज तक का इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौते तो किस देश के साथ किया है दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने जापान के साथ यह समझौता किया है। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है यह क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा में BJP का चीफ व्हिप बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, BJP ने लोकसभा में किसे अपना चीफ व्हिप बनाया है, यहाँ पर देखिए अनुराग ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद हैं, इनको BJP ने यह अपने चीफ व्हिप बनाया है। आपने देखा होगा दोस्तों कि अभी जो कल जो हुआ कि विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो BJP ने जो है अपने सांसदों को एक व्हिप जारी किया है और बोला गया है कि आप 20 जुलाई को जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और वोटिंग होगी तो उस दिन आपको उपस्थित रहना है, यदि ऐसा नहीं करते हैं कोई सांसद तो उनके खिलाफ पार्टी जो है कार्रवाई कर सकती है, यही होता है व्हिप का मतलब। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई वाली हस्तियों की सूची में शीर्ष पर किसका नाम है। तो दोस्तों, जो फोर्ब्स हर साल जो एक सूची जारी करता है सर्वाधिक कमाई की, तो इसमें इस 2018 में सर्वाधिक कमाई करने वाली हस्ती में कौन शामिल है, यहाँ पर हम देखें फ्लॉयड मेदेवर जो हैं अमेरिका के मुक्केबाज हैं, और इनकी जो 2018 में कमाई हुई है वही हुई है 1951 करोड़ रुपए की इन्होंने कमाई किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट प्रश्न देखें हम यहाँ पर, चीन ने हाल ही में भारत के किस राज्य के नज़दीक अपना एक मानव रहित मौसम जानकारी केंद्र स्थापित किया है। तो दोस्तों, चीन जो है बार बार इस तरह की हरकत करता रहता है, तो हम देखें यहाँ पर कि भारत के कौन से राज्य के नज़दीक जो है मानव रहित मौसम जानकारी केंद्र स्थापित किया है। हम यहाँ पर देखें कि अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक में चीन ने मौसम रहित एक अपना जानकारी केंद्र स्थापित किया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखें, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी हाल ही में जारी की गई सबसे अधिक कमाई करने वाले कलाकारों की सूची में किन दो भारतीय कलाकारों को स्थान हासिल किया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए, दो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय जो कलाकार हैं उनका नाम है क्रम से हम देखें, अक्षय कुमार और सलमान खान को जो है 2018 में सबसे अधिक कमाई करने वाले भारतीय कलाकारों में स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज कैबिनेट की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, हेरिटेज कैबिनेट की स्थापना की गई है ताकि अपने स्टेट के ऐतिहासिक और इमारतों का संरक्षण किया जा सके, इसके साथ साथ में भाषा का प्रसार उनका उसका संरक्षण किया जा सके। तो हेरिटेज कैबिनेट का किसने स्थापना की है, उड़ीसा सरकार ने जो है इस तरह के कैबिनेट की स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मोटर वाहन नियमों में संशोधन के तहत निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को डिजिटल प्रारूप में दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखें तो कौन सा दस्तावेज दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस को जो है डिजिटल प्रारूप में दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह मैं आपके लिए निरंतर GS के वीडियो करंट अफेयर्स की भी अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।